हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट सेकंड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इन्हारिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट वन ऑलरेडी गिवन है उसी के साथ साथ उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रीवियस सभी चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी जिसके एनसीक्यूज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ तो प्लीज आप उन वीडियोज को जरूर देखिए ताकि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी तरीके से हो सके और आप लोग किसी भी चैप्टर को मिस ना करो क्योंकि हर एक चैप्टर यहाँ पर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है और उसी के साथ साथ हर एक चैप्टर का यहाँ पर एक एक कंसेप्ट बहुत ज्यादा

फॉर योर टर्म वन एग्जामिनेशन काफी अच्छे तरीके से हो सके क्योंकि आप बिना किसी डायरेक्शन बिना किसी स्ट्रैटेजी के अगर आप सिर्फ एमसीक्यू लगाते रहोगे तो आप लोग कहीं भी नहीं पहुंच सकते लेकिन अगर आप एक कंसेप्ट को तैयार करके उसको पढ़ के फिर आप उसके एम को यहाँ पर ट्राई करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी प्रिपरेशन भी होगी तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी कई वीडियोज आपको आगे देखने को मिलने वाली हैं जो कि आपको आपके टर्म वन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन आई गिव यू अराउंड फाइव टू टेन सेकेंड्स क्योंकि ये तो देखते ही समझ में आ जाते हैं आंसर so बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन होंगे टर्म वन एग्जाम में तो आप लोग से कोई भी गलती यहां पर आप चाहते हो करना चाहते इन द सेंस अगर आपसे कोई गलती हो जाती है डोंट वरी यहां पर गलती करोगे तभी सीखोगे और मेन एग्जाम में गलती नहीं करोगे ओके अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या उन्होंने यूज किया था हाउस फ्लाई फ्रॉग ग्विनिया पिग या फ्रूट फ्लाई मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वॉज ऑप्शन नंबर डी फ्रूट फ्लाई ठीक है ही यूज फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेक्स जो है वो किस क्रोमोजोम uh, से डिटरमाइन किया जाता है ऑप्शन नंबर ए वाई क्रोमोजोम नाउ मोस्ट ऑफ यू विल से वाई नॉट एक्स क्रोमोजोम देखो जिसके अंदर एक्स और एक्स दोनों ही प्रेजेंट होंगे वो तो गर्ल चाइल्ड हो जाएगी ना राइट right? लेकिन अगर यहां पर वाई आ जाता है वाई आ जाता है तो एक अलग यहां पर क्रोमोजोम आ गया, और जब एक अलग क्रोमोजोम स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज रिलेटेड इनवर्सली टू डिस्टेंस बिटवीन क्या लिंकेज की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करती है इनवर्सली किसके बीच में डिस्टेंस के ऊपर ऑप्शन नंबर ए जीन ठीक है तो यानी कि जितना ज्यादा यहां पर डिस्टेंस होगा उतना ही लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही लिंकेज की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी ज्यादा रहेगी क्योंकि जो चीज जितनी पास रहेगी उतना ही ज्यादा तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंग रहेगा राइट हेट्रोगेमिटी इज फाउंड इन हेट्रोगिटी आपको किसमें देखने को मिली थी मेल रोसोफिला फीमेल बर्ड फीमेल रोसोफिला या बोथ ए एंड बी एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी ठीक है है ना सिर्फ मेल रोसोफिला में तो नहीं मिलती ना फीमेल बर्ड में भी आपको देखने को मिलेगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एबसेंट इन केस ऑफ किसके केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी ऑप्शन ए जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम ऑप्शन बी जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम ऑप्शन सी जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन क्रोमोसोम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम क्लियर जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है वो एब्सेंट होती है इन द केस ऑफ जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इन्हेरिटेंस जो हमें क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इन्हेरिटेंस के बारे में पता है उस पर एक्सपेरिमेंट के जरिए वेरिफिकेशन किसने किया था सर्टन बॉवरी मॉर्गन या मन ऑप्शन नंबर सी मॉर्गन ठीक है फ्रूट फ्लाई का यूज करके सर्टेन ट्रेट्स डू नॉट असोट इंडिपेंडेंटली कुछ ट्रेड्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं ऐसा किस वजह से हो रहा होगा ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर ऑप्शन बी लिंकेज ऑप्शन नंबर सी इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ऑप्शन नंबर डी को डोमिनेंस एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर बी लिंकेज ठीक है लिंकेज की वजह से इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट नहीं हो रही है और लिंकेज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर डिस्टेंस के ठीक है जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही लिंकेज यहां पर कम होता जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द फोर सन्स टू अ कपल इज एक कपल के चारों बेटे अगर होते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ठीक है वन इज टू फोर वन इज टू एट वन इज टू सिक्सटीन वन इज टू थर्टी टू एंड द करेक्ट ऑप्शन टू सिक्सटीन जीनो टाइप ऑफ अ पीकॉक इज आपको पता होगा आपने ड्रोसोफिला का देखा है पिकॉक का देखा है आपने बर्ड्स का देखा है ठीक है इनमें क्या होता है इन सभी का जीरो अलग अलग है अलग अलग है ना जैसे में X, 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 y, ऐसे होता है उस तरीके से है इनका डिफरेंट है तो आप बताओ पिकॉक का जो जीनो टाइप है वो कैसा होगा ऑप्शन सी जेड जेड ये इसका जीनो टाइप होता है मेंडल्स कंक्लूजन अबाउट हेरिडिटी वर वीडिस्कवर्ड बाय मेंडल की कुछ कंफ्यूजन्स भी थी उसके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर दिया बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने जेनेटिक्स को समझाया लेकिन उनको एक आ, उनके पूरे जो कन्फ्यूजन सेंस कंफ्यूजन कंक्लूजन होगा उनके पूरे एक्सपेरिमेंट में जो कंक्लूजन था हेरिडिटी का वो उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे वर्ड्स में आप कह सकते हो ना उन्होंने समझाया बहुत अच्छी तरीके से था लेकिन लोगों को समझ नहीं आया तो उस कंक्लूजन को वापस से रीडिस्कवर किसने किया डी वाइज कॉरन्स टेशेमार्क या फिर ऑल ऑफ ऑप्शन नंबर डी ठीक है इन सभी ने मिलकर इनके काम को रिडिस्कवर किया एन अनफर्टिलाइज ह्यूमन ओवम वॉज सॉरी हैज एक अनफर्टिलाइज ह्यूमन ओवम है उसके पास कौन से क्रोमोजोम होंगे बताओ अनफर्टिलाइज है याद रखना ओनली वन एक्सक्रोमोजोम भाई एक ही तो एक्सक्रोमोजोम होगा अनफर्टिलाइज ह्यूमन ओवम है ठीक है अभी वो गर्ल भी नहीं है बॉय भी नहीं है सिर्फ एक ओवम है क्लियर जब उसके पास वाई क्रोमोजोम आ जाएगा तो वो एक बॉय बन जाएगा अगर उसके पास मेल से एक्स क्रोमोजोम आ जाता है तो वो एक गर्ल बन जाएगा लेकिन शुरुआत में क्या था सिर्फ एक्सक्रोमोजोम तो देर विल बी ओनली वन एक्सक्रोमोजोम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग्स इज स्किन कलर बीइंग्स में किस तरीके की देखने को मिलेगी? कलर ब्लाइंड में या फिर सिकल सेल एनीमिया में स्किन कलर ठीक है क्लियर प्लियोट्रोपिक जीन हैज जीन इट विल हैव मल्टीपल जीनोटाइप सिंगल जीनोटाइप सिंगल फिनोटाइप मल्टीपल फिनोटाइप एंड द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल फिनोटाइप ठीक है प्लियोट्रोपिक जीन जो है इट हैज मल्टीपल फिनोटाइप क्लियर एक्स वाई क्रोमोजोम्स वर डिस्कवर्ड बाय एक्स वाई क्रोमोजोम किसके द्वारा डिस्कवर किए थे मेंडल वाइट स्टीवेंस या रॉबर्ट ब्राउन एंड द करेक्ट ऑप्शन है विल बी ऑप्शन नंबर सी स्टीविंस ठीक है अगर एक बहुत ही डार्क स्किन पर्सन ने शादी कर ली है लाइट स्किन वुमेन के साथ वेरी डार्क स्किन मैरिज अ वेरी लाइट स्किन वेरी ऑप्शन नंबर ए जीरो जीरो होंगे क्या बताओ है ना वन एस टू फोर नहीं हो सकता आप खुद करके देखो इसको डार्क में रख दो ठीक है डार्क स्किन को यहां पर इसके साथ रख दो तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस शो होंगे कंप्लीटली वेरी डार्क नहीं शो होगा उसका मिक्सचर हो सकता है लेकिन वेरी डार्क नहीं होगा द टर्म एक्स बॉडी वॉज कॉइंड बाय ऑप्शन ए हेनके एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल इज मेंडल के प्रिंसिपल का एक्सेप्शन क्या था मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया है कि मेंडल की कंक्लूजन को बाद में समझा गया तो उसमें एक एक्सेप्शन भी आया था लिंकेज उन्होंने लिंकेज के बारे में कंप्लीटली नहीं बताया था इन ड्रोसोफिला फीमेल हैज अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम फीमेल के जो क्रोमोजोम होते हैं यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोजोम वो कौन से होंगे जेड जेड एक्स एक्स वाई वाई या जेड डब्ल्यू एंड द करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर बी एक्स एक्स क्रोमोजोम ठीक है मल्टीपल फिनोटाइप इज सीन इन मल्टीपल फिनोटाइप पॉलीजेनिक पॉली मतलब बहुत सारे ठीक है तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फर्स्ट जेनेटिक मैप वॉज प्रिपेयर ऑफ सबसे पहला जेनेटिक मैप किसका प्रिपेयर किया गया था एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए ड्रोसोफिला का है ना हमने एनसीआरटी में इतना बड़ा एग्जाम्पल भी देखा है ड्रोसोफिला का कंप्लीटली बताया गया है उसमें ठीक है आपने देखा होगा इमेज को सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज ड्यू टू एक चाइल्ड का क्या सेक्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है सेक्स ऑफ़ द स्पर्म भाई ओवम के पास तो एक एक्स क्रोमोजोम है अब स्पर्म यहां पर एक जो स्पर्म आ रहा है वो वाई क्रोमोजोम वाला है एक जो आपका स्पर्म आ रहा है इट इज ऑफ एक्स क्रोमोजोम अगर एक्स वाला चला जाएगा तो इट विल बी फीमेल और अगर वाई वाला चला जाएगा अलग अलग हाइट के लोग आपको देखने को मिलते हैं इसका मतलब उसमें वेरिएशन देखने को मिलती है तो यह किसका एग्जाम्पल होगा प्लियोपिक इनहरिटेंस मल्टीपल अलील्स सुडोल्स या पॉलिजेनिक इनहेरिटेंस

पेरेंटल टाइप्स ज्यादा देखने को मिलेंगे ठीक है बिकॉज आपको यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिल रही है जीन हैविंग मल्टीपल इफेक्ट इज वो जीन जिसके मल्टीपल इफेक्ट होते हैं दैट दैट विल विल बी बी नोन एज ऑप्शन नंबर डी प्लियोट्रॉपिक ठीक है ट्वेंटी थर्ड पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोजोम आर नोन एज ऑटोजोम हेड्रोजोम बी क्रोमोजोम या एम क्रोमोजोम ऑप्शन नंबर बी हेट्रोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोजोम। जेनेटिक मैप इज वन दैट जेनेटिक मैप आखिर होता क्या है हमने जेनेटिक मैपिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा है जेनेटिक्स में है ना तो ये होता क्या है इट इज द हम किसी भी जेनेटिक मैप मैप का मतलब जिससे आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलती है कि आपको कहां पहुंचना है तो हम किसी भी जीन एक क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम के ऊपर कहां पर किस साइट पर हमारा कौन सा जीन प्रेजेंट होगा उस साइट को हम क्या करते हैं उस क्रोमोजोम के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक मैपिंग सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स अकर ड्यूरिंग जो सेग्रीगेशन होती है मेंडेलियन फैक्टर की इट अकर्स ड्यूरिंग एनाफेज वन एनाफेज टू मेटाफेज वन या डिप्लोटीन

Numerous intermediate types are found in between two extremes in polygenic inheritance. And the correct option here will be, polygenic character is controlled by multiple alleles. Nahi. Theek hai? काफी alleles के द्वारा polygenic character को नहीं control किया जाता है। इसका मतलब होता है कि polygenic character काफी सारे characters आपको देखने को मिलते हैं. Poly means काफी सारे, many. When was Mendel's result rediscovered? मेंडल की कंक्लूजन को रिजल्ट को कब रीडिस्कवर किया गया था 1884, 1890, 1990 या 1901? एंड द करेक्ट ऑप्शन है विल बी ऑप्शन नंबर सी 1990 मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था इन 1990 ठीक है मेंडल ऐसे थे जिनको उनका नोबेल प्राइज भी उनकी डेथ के बाद मिला था है ना तो उनके काम को रिकॉग्नाइज बाद में किया गया था हाइट इन ह्यूमन शो Humans में जो हाइट है वो क्या शो करती है ऑप्शन नंबर सी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन यानी कि टाइम टाइम टू हाइट जो है वो वेरी कर रही है ठीक है अगर कोई छह फुट का है तो जरूरी नहीं है पूरी दुनिया छ फुट की है ठीक है किसी की हाइट चार फुट भी है किसी की पांच फुट भी है इस तरीके से अलग अलग वेरिएशन है ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो आपको सिस्टम है वो समझ में आया होगा यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आखिर आपके जेनेटिक्स से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे टर्म वन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सो इफ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि टर्म वन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड फॉर यू ऑल्सो अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज सब्सक्राइब करने के बाद आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप किसी भी वीडियो मिस नहीं करोगी एंड तब तक के लिए हैव अ गुड डे मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ